आपको टाइट हो रहा है तो मैं क्यों ढीला मंगवाऊं। ये सेलर तो मुझे इम्प्रेस पे इम्प्रेस ही किए जा रहा है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो एंड आई एम सुपर हैप्पी टुडे। आपने लास्ट वीडियो देखा कि नहीं देखा, उसमें मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बोला था, प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो मीशो अनारकली कुर्ती सेट हॉल होने वाला है, जो की वेडिंग्स के लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। वैसे लास्ट वाले वीडियो में मैंने बहुत सारे अनारकली गाउन एंड कुर्ती शेयर करे थे, विच आर ऑलरेडी सोल्ड आउट मोस्ट ऑफ दी। तो जाके देख लो, यदि उनमें से कुछ भी यदि पेंडिंग है तो आप उनमें से बाय कर सकते हो। सब कुछ अंडर 800 रुपीज था एंड आज के वीडियो में सब कुछ अंडर 1000 रुपीज है। एक कुर्ता सेट ऐसा है जिसका प्राइस 1300 रुपए है, बाकी सब अंडर 1000 के अंदर ही है। तो चलो मैं दिखाती हूँ आज का कलेक्शन। भाई मतलब जो मेरा मेन है ना, सबसे सुंदर वाला, वो ही मैं सबसे पहले दिखाने वाली। ओ माय गॉड, कोई मुझे ऐसे चूटी काट लो प्लीज, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। मुझे मीशो से इतना सुंदर सूट सेट मिला है। ओ माय गॉड, थोड़ी सी इसकी फिटिंग का है क्योंकि इसकी थोड़ा सा ढीला है ये, बट स्टिल आई एम इन लव यार। सीरियसली लुक देखो कितना प्यारा लग रहा है। एंड ये देखो यार, इतना प्यारा दुपट्टा मिलता है क्या मीशो पे? आई मीन व्हाट इज दिस? ओ भाई श्याम, मतलब देख रहे हो ऐसे कटआउट बॉर्डर में पूरा बहुत ही शानदार जरी प्लस सीक्वेंस वर्क में आपको ये दुपट्टा मिल रहा है। एंड ऐसा नहीं है कि दुपट्टे के जो लेंथ और विथ में थोड़ी कमी की गई हो, थोड़ी सी लेंथ में हल्का कमी है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये स्टैंडर्ड लेंथ है जितना कि नॉर्मली सभी दुपट्टों में मिलता है आपको। इस तरीके का पूरा फुल ऑन वर्क वाला दुपट्टा मिल रहा है, मतलब और क्या चाहिए। और अनारकली यार, जॉर्जेट का है ये, ठीक है, एंड ये इसके साथ अनारकली मिल रही है। भाई मुझे प्यार ही हो गया यार इससे। बस मेरे को थोड़ी सी इसमें फिटिंग करानी पड़ेगी क्योंकि ये थोड़ा सा फ्री साइज में है, अंदर इसमें पैडिंग भी लगी हुई है, बट एब्सोल्युटली पैडिंग क्वालिटी इज नॉट दैट मच गुड, तो मैं इसे हटा ही दूंगी, मुझे नहीं चाहिए ये कुर्ती। ओ माय गॉड, सबसे पहले तो कलर, स्टिचिंग क्वालिटी, एवरीथिंग इज टू गुड। और सीधा कुछ नहीं करना है, देखो ये स्लीवलेस है तो इसकी फिटिंग होना बहुत ईजी है। आई मीन अच्छा वाला क्रेप का फैब्रिक है, उसका ये पैंट है जिसकी मतलब खास कर ऐसी कोई जरूरत नहीं है। एंड दूसरी चीज, इन्होंने ना अपनी तरफ से ये स्लीव के लिए ना कपड़ा दे रखा है, बट आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता इसमें स्लीव की किसी को जरूरत है, लेकिन स्टिल यदि किसी को स्लीव लगवानी है तो इस फैब्रिक के थ्रू आप उसमें स्लीव लगवा सकते हो। इसकी प्राइस है 1347 रुपीज ओनली। एंड पहली चीज तो मुझे ये कलर बहुत ही ज्यादा पसंद है, दूसरी चीज इसमें टोटल 8 कलर्स अवेलेबल हैं, तो यार आपको यदि कोई और कलर देखना है ना तो आप 100% देख सकते हो। चलो नेक्स्ट दिखाती हूँ। तो नेक्स्ट है एक रेयॉन का कुर्ता सेट जिसकी क्वालिटी सीरियसली मुझे पसंद नहीं आई। मतलब ऑल दो ठीक है, लाइक मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे हल्दी वल्दी का कोई फंक्शन है जहाँ आप जा रहे हो, आपका सूट खराब हो जाने वाला है और आप बहुत दूर के रिश्तेदार हो या ऐसा कुछ भी लाइक है ऐसा, जहाँ पे आपको इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, तो उसके लिए आप इसे चेकआउट कर सकते हो। इसका प्राइस है 448 रुपीज और टोटल 5 कलर्स अवेलेबल है इसमें। ये देखो रेयॉन का फैब्रिक है, ऑल दो वैसे तो ठीक लग रहा है, लाइक नीचे इसमें यहाँ पे गोटा पट्टी लगी हुई है, यहाँ पे क्रुशिया वाली लेस लगी हुई है, एंड इस तरीके का मतलब पूरा पैंट मिल रहा है। पैंट की क्वालिटी मतलब ऑल दो ठीक है, और इसकी इसकी भी क्वालिटी यहाँ पे देखोगे तो अच्छी ही लग रही है। नॉर्मली ये टैसल्स वगैरह ये सुंदर लग रहे हैं, एंड बीच का जो ये जरी वर्क है ना ये भी काफी अच्छा लग रहा है, और बीच में मिरर वर्क भी करा हुआ है। एंड स्लीव्स वगैरह देखोगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके का गोटा पट्टी का वर्क मिल रहा है, एंड नीचे से ये टैसल्स जो लगी हुई है ना, ये टैसल्स कोई काम की नहीं है, ये बहुत जल्दी नुच जाएंगी और ये जल्दी निकल जाएंगी। पैंट में भी लगी हुई थी, पैंट से तो निकल ही गई है, बट इससे भी निकल जाएंगी, ये तो मुझे पता है, एक बार धुला आपने सब निकल जाएगी नीचे वाली, बाकी इसमें और कोई कमी नहीं है। एंड यहां तक बात करूं प्राइस की, तो प्राइस के अकॉर्डिंग तो देखो ये काफी अच्छी लग रही है, उस हिसाब से टोटली वर्थ बाइंग भी है, क्योंकि अंडर 500 रुपीज और अराउंड 400 रुपीज में आपको इससे अच्छा तो मुझे नहीं लगता कुछ मिलेगा। एंड दूसरी चीज मुझे इसकी जो पसंद नहीं आई वो है कि इसमें अंदर इंटरलॉकिंग भी नहीं है। रेयॉन फैब्रिक में यदि आप इंटरलॉकिंग नहीं करोगे तो धागे निकलने चालू हो जाएंगे। दूसरी, इसका दुपट्टा बहुत अच्छा है, लाइक शिफॉन फैब्रिक का दुपट्टा मिल रहा है, इस तरीके गोटा पट्टी मिल रही है, 2 शेड्स में आपको ये दुपट्टा मिल रहा है। एब्सोल्युटली ये दुपट्टा आपको किसी और भी काम जरूर आएगा, लाइक किसी और कुर्ती उर्ती के साथ या किसी चीज के साथ यूज में आ सकता है, तो इट्स टोटली अप टू यू, यदि आपको अच्छा लगता है तो आप ले सकते हो, बट मेरी तरफ से ये थोड़ा सा कम ही रिकमेंडेड है। नेक्स्ट है 799 रुपीज का अनारकली सूट सेट। ओह माय गॉड, दिस इज
सुपर प्रिटी लुक एट दिस। सबसे पहले तो इसकी जो स्लीव्स हैं विच आर रियली नाइस, सबसे पहले तो ये देखो इस तरीके की, पहले अनारकली गाउन मिल रहा है आपको, अनारकली कुर्ती मिल रही है, ये गोटा पट्टी लगा हुआ है टेम्पल वाला इस तरीके का, एंड यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग लगी हुई है इसको चाहो तो आप गले के पीछे इस तरीके से करके लटका सकते हो। ये देखो इसमें लटकन इन्होंने दे तो दी है बट बहुत अच्छे से नहीं लगाई है लटकन को, लटकन को ना आपको ही ऐसे सुई धागे से प्रॉपर यहाँ पे सेट करोगे तो ही ये अच्छी लगेगी, ऐसे धागे से लटकी लटकी तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगने वाली, ये काम आपको खुद से करना पड़ेगा सुई धागे से। फिटिंग क्या जबरदस्त आई है, बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है, एंड पूरे में इस तरीके का वर्क मिल रहा है ये फॉयल प्रिंट वाला, एंड इस तरीके का नीचे भी गोटा पट्टी मिल रहा है, अंदर लाइनिंग भी लगी हुई है, एंड इसकी स्टिचिंग में कोई कमी नहीं है, प्रॉपर इंटरलॉकिंग वगैरह है, जॉर्जेट का फैब्रिक है, एंड ये जो इसमें लगा हुआ है ना ये भी खराब होने वाला नहीं है, तो क्वालिटी इसकी बहुत ही शानदार है अकॉर्डिंग टू द प्राइस। एंड ये इसके साथ रेड कलर का दुपट्टा मिल रहा है, और बेस्ट पार्ट इसका ये है कि प्रॉपर लेंथ और विड्थ इसकी मिली हुई है, इस तरीके चारों तरफ इसमें गोटा पट्टी मिल रही है और बीच में ऐसा मिरर वर्क मिल रहा है, पूरे में आपको इस तरीके छोटे छोटे मिरर लगे हुए हैं, और ये पेपर मिरर नहीं है, सो डोंट बी वरी, आप बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये धुल्ले पे खराब हो जाएंगे, एकदम सही रहेंगे, एंड इस तरीके का चौड़ा और अच्छा खासा लंबा चौड़ा दुपट्टा मिल रहा है, एंड दिस इज लुकिंग सो प्रिटी, एंड डेफिनेटली आप ले सकते हो, इन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से चेकआउट कर लेना। एंड नेक्स्ट, ओ माई गॉड दिस इज सो प्रिटी, ओह माय भाई आज का कलेक्शन इतना प्यारा है ना, लाइक मुझे मतलब अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा है, टोटल 9 आउटफिट हैं आज के, एंड ये जो आउटफिट है ओ भाई मुझे सीरियसली इसका प्राइस याद नहीं था, मैंने अभी देखा है 685 रुपीज का है, मैं इतना सस्ता मतलब इतना सुंदर है ना ये, मैंने जब इनके ट्राई ऑन करे थे ना सीरियसली मैंने इनके प्राइस नहीं देखे थे और मैंने बस बना लिए वीडियो, एंड ये देखो 685 मतलब अंडर 700 रुपीज का कुर्ता सेट है, ये इस तरीके का कुर्ता आपको मिल रहा है, लुक एट दिस, यहाँ पे आपको गोटा पट्टी मिल रही है, यहाँ पे ऐसे स्ट्रैप लगी हुई है, एंड यहाँ पे ये इतनी प्यारी सी ये लेस लगी हुई है जरी वर्क की, और सबसे पहली चीज तो इसका कलर इतना सुंदर लग रहा है, एंड इसका जो डिजाइन है ना बॉटम का दिस इज रियली डिफरेंट, इस तरीके का तिकोने टाइप का डिजाइन मिल रहा है, बहुत ही डिफरेंट डिजाइन है, एंड पहनने पे इतना खास लग रहा है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल ही डिफरेंट आउटफिट है, एंड इसमें कट भी काफी ऊपर से मिल रहा है और इसकी वजह से ये काफी सुंदर लग रहा है, एंड इसके नीचे जो प्लाजो या प्लाजो बोल लो इसे, काफी वाइड है तो ऐसा सा प्लाजो मिल रहा है, नीचे इसमें भी अच्छी मोटी लेस लगी हुई है, और पूरा देख सकते हो स्कर्ट वाला इल्यूजन आ रहा है नीचे, इसमें अंदर लाइनिंग भी लगी हुई है, और सबकी इंटरलॉकिंग सिलाई वगैरह यार बहुत सही है, मैं सोच रही हूँ सिर्फ अंडर 700 रुपीज में इतना सुंदर आउटफिट सेलर दे कैसे रहा है, मतलब मैंने बहुत सारे ब्रांड्स ट्राई करे हैं, बहुत सारी चीजें ट्राई करी हैं, बट इस रेंज में इतनी सारी एम्ब्रॉयडरी समेत इतना क्लासी डिजाइन मिलना इज नॉट पॉसिबल, नहीं मिलता है, बट ये सेलर सेल कर रहा है, हैट्स ऑफ टू दिस सेलर, एंड दिस इज लुकिंग सो प्रिटी, इतना प्यारा कलर लग रहा है, एंड डेफिनेटली यू हैव टू बाय दिस, एंड साथ में इसमें दुपट्टा भी इतना सुंदर लग रहा है, देखो कितना प्यारा दुपट्टा, पूरे में जरी वर्क है दुपट्टे में, एंड इस तरीके का पूरा मतलब देखो इसमें चौड़ाई बहुत ज्यादा नहीं है, इतनी चौड़ाई मिल रही है, बट लेंथ भी ठीक ठाक दी गई है, अच्छा खासा लेंथ इसमें दिया हुआ है, सो 2 मीटर आई थिंक लेंथ होगा इसमें, तो इनफ है, आप बिल्कुल काम चला सकते हो इससे, बहुत आराम से इसे पहन सकते हो, जिस तरीके से मैंने स्टाइल किया है उस तरीके से भी स्टाइल कर सकते हो, एंड यस दिस इज लुकिंग सो क्यूट एंड प्रिटी, एंड आप लोगों को बताना है सबसे ज्यादा प्रिटी कौन सा लग रहा है इन सारे 9 में से, कौन सा सबसे ज्यादा प्यारा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताना है आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट दिखाती हूँ, हाय राम, सीरियसली ये सेलर तो मुझे इम्प्रेस पे इम्प्रेस ही किए जा रहा है, इस सेलर के मैंने दो कुर्ते और हैं जो मैंने लास्ट वीडियो में शेयर करे थे, उससे पहले मैंने एक और मीशो का अनारकली गाउन का सूट वीडियो शेयर किया था, उसमें भी मैंने कुछ अनारकली गाउन्स वगैरह शेयर करे थे, वो भी सेम सेलर के थे, एंड दैट वॉज रियली ऑसम, और उसी सेलर के मेरे पास 2 आउटफिट आज और हैं, एंड आई एम इन लव सीरियसली। देखो पहले, सबसे पहले तो ये देखो, ये दुपट्टा देखो पतला है बट बहुत खूबसूरत दुपट्टा है, रेयॉन का फैब्रिक है, ये आपको ऐसी लेस मिल रही है इसमें, एंड इस तरीके की पूरी मोतियां लगी हुई हैं पूरे दुपट्टे में, एंड दुपट्टा लुक सो क्लासी, एंड किसी भी अनदर कुर्ती या लहंगे वगैरह के साथ, स्कर्ट के साथ आप इसे यूज कर सकते हो, एंड नेक्स्ट है ये बहुत ही प्यारा सा अनारकली, भाई यार क्या फिटिंग आ रही है इसकी, ऐसा देखो रेयॉन का फैब्रिक है, स्ट्रैपी आपको इस तरीके की मतलब स्लीव मिल रही है, ये एडजस्टेबल स्लीव है, स्ट्रैप है जिसको आप एडजस्ट कर सकते हो, एंड यहाँ से आपको प्रॉपर
और इतना भयंकर फ्लेयर मिल रहा है. आई मीन कितना ज़्यादा फ्लेयर है यार, ओ माई गॉड. देखो इतना ज़्यादा फ्लेयर मिल रहा है इसमें, एंड पूरा क्वालिटी यार टॉप नॉच है. आई मीन बहुत ही ज़्यादा सुंदर है. एंड इसका प्राइस भी महज 993 रुपीज़ है. माई गॉड, इसमें और कोई कलर नहीं है, ये सिंगल कलर है. एंड दिस वन इज़ लुकिंग सो प्रिटी. नेक्स्ट है मेरे पास एक और ये पर्पल कलर का कुर्ता सेट. ये पता है जैसे मैंने लिया है ना, जब से ये पूरा कैटलॉग ही गायब हो गया है. मैं देख रही हूँ मेरे पास ये आ गया, बट अब कैटलॉग नहीं दिख रहा है. बट फिर भी मैं देखूंगी इसका सिमिलर जो भी मुझे मिला ना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आप बाय कर सको. तो देख सको ते हो आप, ये रेयॉन फैब्रिक का है. इस तरीके का पैंट मिल रहा है, सिंपल पैंट है, साइड में छोटू सा कट मिल रहा है, विच इज लुकिंग क्लासी. कुछ खास नहीं, मतलब ठीक है. अंदर से इस तरीके की, मतलब क्वालिटी को लेके थोड़ा सा ध्यान तो रखा गया है. रेयॉन फैब्रिक है बट क्वालिटी स्टिचिंग वगैरह को लेके अच्छा ध्यान रखा है इन्होंने. इसका प्राइस बताऊं तो इसका प्राइस है 645 रुपीज. एंड इसका कुर्ता जो मिल रहा है कुछ इस तरीके का मिल रहा है. ये ऑफिस वगैरह के लिए देखो अच्छा है. इवन डे फंक्शन लाइक, मतलब बहुत छोटा सा कोई ओकेजन है, किसी के घर में पूजा है, किसी के घर में कुछ छोटा मोटा फंक्शन है जिसमें आप कुछ अच्छा पहनना चाहते हो, स्टिल आप बहुत चमक दमक नहीं पहनना चाहते हो, तो इस तरीके के कपड़े अच्छे लगते हैं. इसमें देखो इस तरीके का थ्रेड वर्क हो रखा है, पूरा नेक पे आपको ऐसा थ्रेड वर्क मिलेगा, विच इज लुकिंग सो क्लासी. एंड इस तरीके के बूटे बूटे पूरे में आपको कुर्ते में मिल रहे हैं. तो इस तरीके का देखो दुपट्टा मिल रहा है, डिजाइन काफी खूबसूरत है, व्हाइट कलर की पूरी इस तरीके की डिजाइन मिल रही है इसमें. एंड इस तरीके का कॉटन का दुपट्टा है, ये प्योर कॉटन का दुपट्टा है, एकदम सूती कपड़ा जो होता है ना, कॉटन लिनन टाइप का फैब्रिक वैसा सा दुपट्टा है. बहुत ही सॉफ्ट है. आई थिंक मम्मी लोगों को भी ये चीज़ बहुत पसंद आएगी. इवन मुझे भी ऐसे दुपट्टे इन साड़ियाँ बहुत पसंद होते हैं. नेक्स्ट है 1070, मेरा फेवरेट सेलर का ये. इसमें थोड़ा सा अंतर क्या है कि उस वाले में कोई बॉर्डर नहीं था. आप ध्यान से देखोगे अनारकली में कोई बॉर्डर नहीं था, इसमें बॉर्डर है. एंड दुपट्टे में उसमें मोतियां भी थी, इसमें कोई मोतियां नहीं है. मुझे बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट लग रहा था, दैट्स वाई मैंने ये दोनों ही मंगाए थे. ये देखो इसमें कोई मोती नहीं है बीच में, और सिर्फ बॉर्डर बॉर्डर ही है. एंड दुपट्टे की लेंथ प्रॉपर है, रेयॉन फैब्रिक है, बहुत अच्छा लग रहा है. एंड इसका जो अनारकली है ना, इसमें अनारकली में ना पूरा बॉर्डर है, उस वाले में कोई बॉर्डर नहीं था. ठीक है, यहाँ पे देखो ऐसे यहाँ पे बॉर्डर लगा हुआ है, गोटा पट्टी लगा हुआ है बीच में. एंड ये पूरी अनारकली सेम फिटिंग वगैरह काफ़ी अच्छी है, फ्लेयर बहुत भर भर के दिया है. एंड यहाँ पे नीचे यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे गोटा पट्टी लगी हुई है जो कि उसमें नहीं लगी हुई है. ठीक है, तो ये थोड़ा डिफरेंट है, डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट है, ऑलमोस्ट कलर में भी 19-20 का ही फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है. देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्रिटी कुर्ता सेट है. एंड इसके प्राइस के हिसाब से ये भी टोटली वर्थ माएंगे. इतने में मैंने सच में अपनी लाइफ में इतने अच्छी अच्छी क्वालिटी, इतना सारा भर भर के फ्लेयर सिर्फ 1000 रुपए के आसपास नहीं देखा है, सीरियसली बता रही हूँ. सो इफ यू वॉन्ट टू बाय देन आप डेफिनेटली इसे बाय कर सकते हो, जल्दी ही स्टॉक आउट हो जाता है ये पीस, आपको ध्यान रखना है. तो टाइम से बाय कर लेना स्टॉक आउट होने से पहले, क्योंकि लास्ट वाला वीडियो जो था ना उसमें जो मैंने ऐसी गाउन वाली ड्रेस दिखाई थी वो तुरंत स्टॉक आउट हो गई. पीपल आर कंप्लेनिंग मी कि मैम नहीं है लिंक, ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि वो स्टॉक आउट हो चुका था. नेक्स्ट है 703 रुपीज का बहुत ही क्यूट सा आउटफिट. बहुत प्यारा लग रहा है, बट इसमें मुझे एक चीज अच्छी नहीं लगी, वो भी मैं बताऊंगी आपको क्या अच्छा नहीं लगा मुझे. ये है ये कुर्ता सेट है, एकदम लेमन येल्लो बोल लो या कौन सा कलर बोलते हैं इसे, आई डोंट नो, लेमन येल्लो कह सकते हैं या नियॉन येल्लो कह सकते हैं इसको. तो वैसा सा इसका कलर है, बहुत ही प्यारा है. इसमें अंदर जो पैड लगे हुए ना, मुझे वो चीज पसंद नहीं आई. इसमें जो पैड लगे हुए हैं बहुत ही ज्यादा सस्ती क्वालिटी के हैं, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाइट विजिबल भी कर रहे हैं, जो कि मुझे नहीं पसंद आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है. तो मैं तो 100% इनके पैड्स हटा दूंगी और मैं अपने इसको ब्रा के साथ कैरी करने वाली हूँ. ये पैड्स मुझे बिल्कुल ही सही नहीं लग रहे हैं, ना ही इनका प्लेसमेंट बहुत अच्छा लग रहा है. सो मैं तो बिल्कुल ही इसे रिमूव कर दूंगी. एंड अदरवाइज देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत कुर्ता सेट है. जॉर्जेट का फैब्रिक मिल रहा है, अंदर से स्टिचिंग वगैरह बहुत अच्छी है. और इसकी एक कमी और मुझे मिली, वो ये कि इसकी जो ये अंदर की लाइनिंग है ना, इसमें यार बहुत ही कम चौड़ाई दी गई है. जैसे मैं पहन रही हूँ ना, तो मेरे को हिप्स पे ऐसे अटक रहा है, जो कि हिप्स पे अटकना नहीं चाहिए, वो एकदम फ्लेयर होना चाहिए. एटलीस्ट इसमें थोड़ा तो और कपड़ा होना चाहिए था जो कि हिप्स पे ना अटके. इसकी जो आपको बेल्ट मिल रही है ना, इसका जो मैंने मॉडल का देखा था ना, उसमें क्या था, साइड में ऐसे लटक रहे थे ये बहुत प्यारे से लटकन. तो मैंने क्या सोचा कि यार ये वैसा ही चीज़ है, बट जब मैंने इसको वेस्ट पे बांधा ना, तो काफ़ी सारा एरिया छूट रहा था.
लाइक इतने में मेरी वेस्ट तो आई नहीं, आएगी नहीं, तो मतलब यहाँ पे मेरी वेस्ट आ रही थी, इतने में लॉक हो रहा, तो ये एरिया कमर पे छूट रहा था, वो जो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि यदि मुझे इसे साइड में लटकाना है ऐसे से, तो ये तो सामने से ऐसे ऐसे दिख रहा है ना, तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। फिर मैंने इसे पीछे कर दिया, क्योंकि पीछे तो ये बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो एज अ बेल्ट दिख रहा है, तो पीछे यदि ऐसे दिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं, बट साइड में अच्छा नहीं लग रहा था। बट लटकन इसकी काफ़ी अच्छी लग रही है, तो आपके किसी और काम आने वाली है तो यूज़ कर सकते हो। एंड दुपट्टा इसका काफ़ी प्रिटी है, दुपट्टे में आपको ऐसी सी लटकन मिल रही है इस टाइप की, बीच में ऐसे मोतियां भी लगी हुई है, चारों कोनों पे ऐसे लगी हुई है, बट इसमें एक गोटा पट्टी भी लगा देते ना आई थिंक तो ये और भी ज्यादा सुंदर हो जाता। सिर्फ पूरा क्योंकि ये दुपट्टा पूरा प्लेन प्लेन मिल रहा है एंड सिर्फ लटकन लटकन ही लगी हुई है, विच इज लुकिंग सो थोड़ा सा सिंपल वाला फील है इसमें। बट मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि यदि इसमें एक और गोटा लगा होता ना चारों तरफ पे, तो वो और भी ज्यादा खूबसूरत लगता। एंड इस स्टिल यदि आपको ये पसंद है तो आप ले सकते हो, गोटा तो आप खुद भी लगवा सकते हो। तो यदि आपके पास डला है कोई भी अनदर साड़ी वगैरह का, दुपट्टे वगैरह का गोटा, तो खींच के इसमें लगा लेना। एंड 703 रुपीज के हिसाब से टोटली सही है। एंड आज का भाई ये बहुत सुंदर पीस है, लेट मी चेक द प्राइस, इसका प्राइस है 1034 रुपीज। भाई सीरियसली क्वालिटी ना मुझे मिंत्रा वगैरह पे ही मिलती है एंड बहुत ही खूबसूरत क्वालिटी है। सिल्क का ही फैब्रिक है इसका एंड इस तरीके की लेस वाले डिजाइन मिल रही है। बस एक चीज इसमें कहूंगी कि आपको थोड़ा सा इसे ढीला मंगाना चाहिए, क्योंकि इसका साइज जो है ना वो जनरल साइज से थोड़ा सा कम है। जैसे मैंने इसका 34 नंबर स्मॉल साइज मंगाया है, बट स्टिल थोड़ा सा टाइट साइड में है, क्योंकि ऐसे कुर्ते थोड़े से ढीले वाले होने चाहिए हल्के, बट ये टाइट हो रहा है तो जो कि सही नहीं है। मैं यदि इसका मीडियम मंगा दी तो मेरे को ज्यादा सही फिट आता। तो आपको भी अपना साइज ना इसी के अकॉर्डिंग प्लान करना है। कुछ लोग कमेंट करते हैं, ऐसी बुद्धि उनकी मति मारी गई है, ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं कि आपको टाइट हो रहा है तो मैं क्यों ढीला मंगाऊं। अरे यार, मतलब मैं बता रही हूं कि साइज के अकॉर्डिंग वो थोड़ा टाइट आता है, रेगुलर साइज के अकॉर्डिंग। तो फिर आप यदि ऐसी बातें करोगे तो मैं हंसूंगी, नहीं तो क्या ही बोलूंगी भाई। चलो इसको देख लो, ये इस तरीके का कुर्ता सेट है, बहुत ही ज्यादा प्यारा है एंड इस तरीके का नेक में डिजाइन मिल रहा है सिंपल। एंड पूरी की पूरी जो इसकी मतलब रौनक है ना वो है इधर, ये देखो स्लीव्स में भाई सीक्वेंस लगे हुए हैं इसमें, जरकन वाले सीक्वेंस टाइप के कुछ तो लगे हुए हैं इसमें। एंड ये ऐसा कट वर्क बना हुआ है और बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। ये ऑर्गेन्जा का मटेरियल है, बहुत प्यारा लग रहा है। क्वालिटी की बात करूं तो ये आगे देखो देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, कोई क्वालिटी मार्क नहीं कर सकता। बट यस, जब आप पहनोगे ना तो थोड़ा थोड़ा आपको लगेगा, जैसे देखो फिनिशिंग कम है, बट इसको आप काट सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे थोड़ी सी फिनिशिंग कम है, बट इसकी कटिंग खुद से की जा सकती है। अंदर से इंटरलॉकिंग वगैरह प्रॉपर दी गई है, इसके अंदर आपको लाइनिंग भी लगी हुई है, ठीक है। ये सिल्क का कपड़ा है और अंदर एक बहुत ही प्यारे से कपड़े, सॉफ्ट कपड़े की लाइनिंग भी लगी हुई है। इंटरलॉकिंग प्रॉपर है एंड बहुत अच्छे से सिलाई करी गई है, जैसे एकदम मिंत्रा वगैरह के कपड़े बिल्कुल मिलते हैं ना, वैसी सी सिलाई है। एंड यहाँ पे आपको इस तरीके की लेस भी मिल रही है, ये देखो अंदर लाइनिंग कितने अच्छे तरीके से लगाई गई है, दिस इज लुकिंग सो कूल। एंड इसके बाद आपको पैंट मिल रहा है पिंकी कलर का, और सबसे पहली चीज़ तो ना इसका कलर ही सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, आई मीन वॉट अ कलर, इतना प्यारा। और इसमें पैंट भी देखो सेम कलर में मिल रहा है, सिंपल है पैंट तो क्या कुछ खास नहीं है, बट सिंपल पैंट है। एंड देन इसका दुपट्टा बहुत ही खूबसूरत है, एंड पिंक एंड स्काई ब्लू का कॉम्बिनेशन, माई गॉड बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इतना सफाई से इसमें काम किया है ना, ये पूरा में गोटा पट्टी लगा हुआ है, बीच में ज्वाइंट है दो कपड़ों का, जैसे ये ऑर्गेंजा का ज्वाइंट है, बट यहां से देखो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, कोई धागा नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई ज्वाइंट नहीं दिखाई दे रहा, बहुत अच्छे से लगाया गया है इसमें गोटा पट्टी। एंड इसको अच्छा खासा लंबा चौड़ा दुपट्टा दिया गया है, देखो चौड़ाई इतनी है, लेंथ भी प्रॉपर दी गई है और चारों तरफ ये गोटा पट्टी लगा हुआ है, इनफ 2.25 मीटर के आसपास आई थिंक ये पूरा दुपट्टा मिल रहा है। एंड दिस इज लुकिंग सो कूल, मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारा लगा ये कलेक्शन एंड ये वाला कुर्ता सेट, भाई क्या गजब का कुर्ता सेट है। और ये था आज का कलेक्शन गाइस और आज का हॉल वीडियो, आई होप सो आपको अच्छा लगा। और यार इसमें से तो 100% आपको कुछ ना कुछ तो यार पसंद आया ही आया होगा, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा लगा, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर कमेंट। और ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं, मैंने बहुत सारे वीडियोस प्लान कर रखे हैं आगे आने वाले टाइम में, एथनिक वियर भी प्लान कर रखा है और कुछ वेस्टर्न वियर भी प्लान कर रखे हैं, तो आने वाले वीडियो बहुत अच्छे आने वाले हैं। एंड फटाफट सब्सक्राइब कर लो मेरा व्लॉग चैनल, वहां पे आते हैं मेरे ढेर सारे व्लॉग्स, एंड मुझे फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे, वहां पे आते हैं डेली अपडेट। तो मिलते हैं गाइस किसी अनदर वीडियो में, फटाफट अपने अपडेट्स भेज देना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है, चलो बाय।